क्वेटा 34वें नेशनल गेम्स की मेज़बानी करने जा रहा है। तकरीबन 19 साल के बाद क्वेटा में कौमी खेल का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सरपरस्ती और हुकूमत बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम और फाइनेंसिंग हुकूमत बलूचिस्तान की, जिसमें 32 से ज़्यादा खेलों के मुकाबले होंगे और 4 ऐसी गेम्स हैं जिनके एक एक एग्जीबिशन मैच होंगे। ये गेम्स ज़्यादातर अयूब स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जो वेन्यूज़ हैं हमारे, बैडमिंटन से लेके वुशो के, फुटबॉल, हॉकी, इसी तरह बॉक्सिंग के वेन्यूज़ हैं, एथलेटिक्स के, उनमें खेले जाएंगे। और कुछ ऐसी गेम्स हैं जो ब्यूटम्स हमारी यूनिवर्सिटी में होंगी, जैसे आर्चरी का इवेंट हुआ, बेसबॉल हुआ, सॉफ्टबॉल है, फेंसिंग है, उनके इवेंट वहाँ पे होंगे। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में कराटे के इवेंट होंगे। इसी तरह कैंट में टेनिस और गोल्फ़ के इवेंट्स होंगे। तो इसके लिए हुकूमत बलूचिस्तान एक बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, और बिलाखिर दिसंबर 2022 में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने ये सेंक्शन दे दी कि नेशनल गेम्स क्वेटा में हों, जो कि 15 मई से 23 मई को होने थे। अब उनकी तारीखें तब्दील कर दी गई हैं, 22 मई से 30 मई तक ये गेम्स होंगे इंशाल्लाह। हुकूमत बलूचिस्तान इस हवाले से तमाम वेन्यूज़ की रिपेयर रेनोवेशन का काम CNW डिपार्टमेंट के थ्रू कर रही है और एक खतीर रकम इसके लिए मुख्तस की है। रिपेयर रेनोवेशन के लिए करीबन 10 करोड़ के करीब पैसा है जो हुकूमत बलूचिस्तान ने रिलीज़ किया है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस का इनेकाद किया जा सके। इसके अलावा गेम्स के इनेकाद के लिए परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए, खिलाड़ियों के रिहाइश के लिए, उनको डेलीज पेमेंट के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने कोई 40 करोड़ के करीब फंड्स अप्रूव किया। याद रहे कि इस गेम में पूरे पाकिस्तान से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के 6000 से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशल्स, 1000 के करीब ऑफिशल शिरकत करेंगे। तो ये एक मेला सजेगा 19 साल के बाद बलूचिस्तान के एथलीट्स को, बलूचिस्तान के प्लेयर्स को, बलूचिस्तान के लोगों को, हुकूमत बलूचिस्तान को। इसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और ये एक मेला सजने जा रहा है जिसमें बलूचिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाएगा कि बलूचिस्तान एक पुरमन सूबा है, बलूचिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, मेहमान नवाज हैं। ये मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को जाएगा बलूचिस्तान के बारे में। और उसके अलावा इस इवेंट को हम एज ए प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री के तौर पे बहुत वाइटल लिया जा रहा है। बहुत से स्पोर्ट्स हलकों में इस इवेंट्स को बहुत एक वाइटल इवेंट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के तौर पे लिया जा रहा है कि हम बलूचिस्तान हुकूमत इतना सिंसियर है कि खेलों के इनेकाद में, खेलों की तरक्की में। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये गेम्स बलूचिस्तान में एक मस्बत तब्दीली लाएंगे और पूरे पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आएंगे बलूचिस्तान के बारे में एक बहुत अच्छा इमेज लेके जाएंगे और हम उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।